केवल 65% मार्क्स आए भैया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पड़ोसी मेरे पे हंस रहे हैं कि केवल तेरे 65% आए, किसी की 50% आए, किसी की 80% आए, तब भी बंदा रो रहा है। हाँ, यूपी बोर्ड का भी रिसेंटली रिजल्ट आया, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किए भैया सब बर्बाद हो गया, 69% आए। यार ये वीडियो आज आपको अंदर से मोटिवेट कर देगा, आपके 60% आए, 70% आए, 90% आए, 95% आए, अगर रो रहे हो ना मार्क्स कम आए, ये सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे पड़ोसी क्या कहेंगे, ये वीडियो आज आप एंड तक देखना, सच बात करूंगा जो कहूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना एक एक बात को, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, करना है तो कर देना, आपकी मर्जी। सबसे पहली चीज, तुम्हारे अगर 65% मार्क्स आए या जितने भी आए, तुम रो रहे हो यार मेरे मार्क्स कम आए, पड़ोसी हंसेंगे ये वो, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मान लो तुम्हारे 60% मार्क्स आए, अगर तुम्हारे 60% भी मार्क्स ना आते तो तुम क्या कर लेते जी? अगर तुम फेल ही हो जाते या फिर तुम्हारी कंपार्टमेंट ही लग जाती तो क्या कर लेते तुम? तो क्या करते जब तुम्हारे 60% आए, 70% आए, तब तुम रो रहे हो इतनी बुरी तरीके से, भाई फेल हो जाते तो तुम क्या करते? वो काम कर लेते क्या? गंदे काम? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना है भाई। थैंकफुल रहो कि 60% आए, तुम फेल नहीं हुए, तुम्हारी कंपार्टमेंट नहीं लगी, तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, हंसना चाहिए, नाचना चाहिए, पार्टी करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, और तुम साला रो रहे हो बैठ के। तुम्हें लग रहा है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, 65% मार्क्स आए या 60% मार्क्स आए, भाई साहब जिस बंदे की कंपार्टमेंट लग गई, एक बार उस इंसान से मिलो, उसका कितना दुख होगा, उसके सामने भाई तुम्हारा कोई दुख नहीं है, एक बार उस बंदे से मिलोगे ना जिसकी कंपार्टमेंट लगी है, सोचो उसको कितना बुरा लग रहा होगा, उसके सारे दोस्त घर पे मजे कर रहे होंगे, वो दोबारा पेपर देने जा रहा होगा, पढ़ाई कर रहा हूं, अच्छा लगेगा क्या? एक बार उससे मिलो जिसकी कंपार्टमेंट लगी, उसको देखोगे ना तुम कहोगे भाई मैं तो बहुत होशियार हूं, 60% आए मेरे, कंपार्टमेंट नहीं लगी। लेकिन दिक्कत ये, तुम साला टॉपर्स को देखोगे, तुम उनको ही देखोगे जिनके 95% प्लस है, भाई अपने से नीचे वालों को भी तो थोड़ा सा देखो, और जितना मिला उतना खुश रहो यार। एक चीज और बोलूं ऐसी, अगर तुम्हारे 95% मार्क्स भी आ जाते, अगर तुम टॉपर भी बन जाते, तो कौन सा तुम झंडा उखाड़ लेते? कौन सा तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते अगर तुम्हारे 95% प्लस मार्क्स आ जाते? कौन सा तुम्हें नौकरी मिल जाती करोड़ों की? नहीं जी नहीं, ठीक है। और एक बात बोलता हूं आपको, ये जितने भी मार्क्स वगैरह जो होते हैं, अरे मेरे बेटे के 95% मार्क्स आए, अरे मेरा बेटा तो टॉपर बन गया, ये जो खुशी होती ना, याद रखना बॉस, ये 2 से 3 दिन की खुशी होती है, उसके बाद ये खुशी खत्म हो जाती है। मैं आपको बता दे रहा हूं, जो लोग क्लास 10th में है, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ गए तो 2 से 3 दिन की खुशी होती है, 2 से 3 दिन भाई तुम्हारे घर पे फोन आएंगे, तुम सबको बताओगे अरे मेरे 95% मार्क्स आए, हाँ जी हाँ, जो भी मिलेगा सबसे बोलोगे 95%। 2 से 3 दिन बाद फिर क्या होगा, कोई तुमसे तुम्हारे मार्क्स नहीं पूछेगा, हाँ सब पूछेंगे और बेटा आगे क्या करना है, हाँ 10th में हो तो 11th में कौन से सब्जेक्ट लिए, फिर 11th की पढ़ाई शुरू कर दोगे, अगर 12th में हो तुम, 12th में हो तो फिर टॉपर बन गए, क्या हुआ 2 दिन की खुशी, फिर जाके फिर कॉलेज में पढ़ो, फिर कॉलेज में फिर अच्छे मार्क्स लेके आओ, कभी खत्म नहीं होता मेरे भाई, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। परमानेंट हैप्पीनेस नहीं होती है, ठीक है यार, ये दुख है जो तुम्हारा कि मेरे मार्क्स कम आए, ये हमेशा नहीं रहेगा, ये सिर्फ 2-3 दिन, 2 से 3 दिन का है, तो नॉर्मल रहो, रिलैक्स रहो, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं एक चीज बोल रहा हूं यार, इसको ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, दिक्कत ये है ना कि हमारी कंपैरिजन करने की आदत बन चुकी है लाइफ। अब मान लो भाई साहब मैं अभी होंडा सिटी खरीद के लेके आया, तो अगर मैं अल्टो वालों को देखूंगा, अल्टो वाले को, तो मैं कहूंगा मैं तो बहुत अमीर हूं यार, होंडा सिटी लेके आया हूं, ये तो अल्टो कार चलाता है। लेकिन वहीं पर जब मैं बीएमडब्ल्यू वाले को देखूंगा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, रोऊंगा, अरे यार मैं तो होंडा सिटी लेके आया हूं यार, इसके पास तो बीएमडब्ल्यू है करोड़ों की, अरे यार क्या करूं यार, बड़ी दिक्कत है। दिक्कत वही है, तो तुम अपने से बहुत छोटे वाले को देखोगे, अपने से बहुत ऊंचे वाले को, भाई जिस भी लेवल पर आप हो, जितने भी मार्क्स आए, जो भी है, थैंकफुल रहो, ज्यादा ऊपर वाले को मत देखो, ज्यादा नीचे वाले को मत देखो, खुश रहो जो मिला है। और ये सोसाइटी वाले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी हंसेंगे, मम्मी पापा की बेइज्जती करेंगे, भाई सोसाइटी का काम है तुम्हारी ऊपर हंसना, सोसाइटी का काम है कुछ ना कुछ कहना, सोसाइटी का काम है तुम्हारी बेइज्जती करना, सोसाइटी वाले अपना काम करेंगे, तुम्हारा काम है एक काम से सुनना, दूसरे काम से निकालना। अगर कोई तुमसे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है सोसाइटी वाले, कोई भी तुम्हारा पड़ोस पड़ोसी या तुम्हारा कोई रिलेटिव, हाँ कोई भी तुम्हें बोल रहा है बेटा तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होगी, बेटा तुम्हारे तो 60% मार्क्स आए केवल, कोई भी तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, भाई साहब एक बात बोल रहा हूं, किसी को भी मुंह से जवाब मत देना, मन कर रहा होगा भाई गाली देते सौरभ को, लेकिन एक भी शब्द मत बोलना किसी को, ठीक है, कुछ भी मत बोलना, जिसको जो बोलना है बोलने दो, एकदम शांति से, बहुत गुस्सा आ रहा होगा तुम्हें, बहुत बुरा लग रहा होगा, ये मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल रहा है, वो जो गुस्सा है ना अपने दिल में अंदर रख लेना,
और वो गुस्सा लगाना काम करने में, कुछ नया सीखने में, पैसे कमाने में, ठीक है मैं बता रहा हूँ। मतलब काफी बार होता है ना कोई कुछ बोलता है हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो गुस्सा जब अंदर रख लेते हैं अपने अंदर कि साले ये सोसाइटी वाले ये आज मेरे ऊपर हंस रहे ना, बदला इनसे मैं लूंगा, लेकिन इनको आज गाली देके आज इनको कुछ बोल के बदला नहीं लूंगा, आज से 5 साल बाद ये जो आज हंस रहे ना मेरे पे उनको मैं बताऊंगा भाई, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, एक एक को देख लूंगा इनको भाई। सच में वो गुस्सा अपने अंदर रखना और वो गुस्सा लगाना काम करने में, कुछ सीखने में, पैसे कमाने में, भाई फिर बोल रहा हूँ 5 साल दबा के मेहनत कर लेना, ठीक है फिर करोड़ रुपए भी कमा लेना, एक बढ़िया सी BMW कार या कोई भी एक अच्छी सी गाड़ी खरीद के आना, ठीक है और उन्हीं पड़ोसी से मिल जाना, पड़ोसी को अपने आप पता लग जाएगा कि भाई ये BMW लेके आया है, मतलब ये करोड़पति बन चुका है। कुछ मत बोलना पड़ोसियों से, जब वो तुम्हें देखेंगे ना BMW कार में या दुनिया की बहुत महंगी कार में उनकी जल जाएगी अपने आप, बस एक बात बोल देना पड़ोसी से 5 साल बाद जब आओ सक्सेसफुल होके, और नमस्ते अंकल जी कैसे हो, बढ़िया, अरे यार आज भी बहुत बुरा लगता है यार, मेरे तो यार मार्क्स बहुत कम आए थे क्लास 10th या फिर क्लास 12th में, बड़ा दुख होता है अंदर से, अगर मेरे मार्क्स थोड़े और अच्छे आ जाते ना तो यार शायद मैं थोड़े और ज्यादा पैसे कमा लेता, बस इतना बोल देना तुम क्योंकि जल जाएगी अच्छे से, समझ रहे हो क्योंकि भाई मैं फिर बता रहा हूँ किसी के 95% मार्क्स आए कोई बहुत पढ़ाई में होशियार है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आगे चल के करोड़पति बन जाएगा, बहुत ज्यादा जीवन में सक्सेसफुल हो जाएगा, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है जी, ठीक है पैसा कमाने का रूल अलग होता है, पढ़ाई का और पैसे का कोई भी लेना देना नहीं होता, समझे, पढ़ाई में जो लोग बहुत आगे हैं वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं है जी, ठीक है हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है हो, तुम्हारे पड़ोसी जिनके 95% प्लस मार्क्स, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उनके 95% प्लस मार्क्स आए उनके लड़के के, ठीक है उनके बच्चे के, तुम्हारे आए केवल 60%, भाई 5 साल बाद 10 साल बाद मिलना, जरूरी नहीं है कि जिसके 95% मार्क्स आए तुम्हारे पड़ोसी के वो बहुत करोड़पति हो, और हो सकता है भाई तुम घोंचू पढ़ाई में, घोंचू बोल रहा हूँ सॉरी, बट तुम पढ़ाई में बहुत बेकार हो मान लो, ठीक है लेकिन भाई जब असली दुनिया में घुसे तुम प्रैक्टिकल लाइफ में, भाई पैसे से प्यार हो गया जी तुम्हें, तुम्हें पैसा कमाना बहुत अच्छे से आ गया जी, पढ़ाई में मन नहीं लगा कभी लेकिन पैसे कमाने में मन लग गया जी, बिजनेस में मन लग गया जी, एंटरप्रेन्योरशिप में मन लग गया जी, पैसे से प्यार हो गया, पढ़ाई में मजा नहीं आया लेकिन पैसे कमाने में बहुत मजा आया, और हो सकता है फ्यूचर में तुम बहुत ज्यादा पैसे वाले बन जाओ, फिर जब तुम्हारा वही पड़ोसी का बच्चा दिखेगा तुम्हें और तुम देखो अरे ये तो जॉब कर रहा है, इसके पास तो स्विफ्ट डिजायर ही है, अरे हमने तो यार BMW ले ली, अरे ये तो महीने का 1 लाख कमाता है, अरे इतना तुम सैलरी देते हैं। याद रखना भाई तुम, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स लेके आए, टॉपर्स थे, महीने का 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं, ठीक है और जो पढ़ाई में बिल्कुल पीछे थे जो फेल ही हो गए, एग्जाम्पल ले लो भाई साहब कैरी मिनाटी का, कैरी मिनाटी को जानती होगी यूट्यूबर को, जितना वो 1 साल में कमाते ना नौकरी वाले बहुत सारे, उतना तो 1 महीने में कमाते वो यूट्यूबर्स बहुत सारे कैरी मिनाटी जैसे, समझ रहे हो, पढ़े लिखे लोग मतलब टॉपर्स, ठीक है वो जितना 1 साल में कमा रहे हैं उतना 1 महीने में कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि टॉपर नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए बोर्ड एग्जाम में इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम भाई साहब फेल हो गए, तुम जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, नहीं भाई सक्सेस का और पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है जी, पढ़ाई करके भी सक्सेस हो सकते हो और अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए तब भी बॉस तुम सक्सेस हो सकते हो, एक नहीं हजारों एग्जांपल है, ठीक है ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कौन क्या कहता है सोसाइटी वाला, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है और अगर कोई कुछ ज्यादा बोल रहा है तो उसकी बात को अपने अंदर रखना, 5 साल बाद एक एक को देख लेना बस, अपनी सक्सेस दिखेगी ना जब तुम्हारी लोगों को, जवाब अपने आप मिल जाएगा, मुंह से जवाब देने की जरूरत नहीं है किसी को, किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सक्सेस जवाब देगी सबको, ठीक है जी ओके बाय बाय।